औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिर ज़मा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तय्यतुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और आपके आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले चाहने वाले तमाम अहले शौक़ पाकिस्तान, अहले शौक़ पंजाब और बिलअमूम ज़िला गुजरात और बिलखसूस गुजरात शहर से तलक रखने वाले जितने भी अहले शौक़ हैं, दोस्तों गुजरात का बड़ा मशहूर मल्ला सुल्तानाबाद, वहाँ से बराह रास्त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों आप गुज़श्ता 2-3 सालों से देख रहे हैं कि फन कबूतर परवी के खेल के हवाले से मल्ला सुल्तानाबाद को पूरी दुनिया में एक पज़ीराई मिली और इसकी वजह शोहरत बनने वाली शख्सियत जो कि उस्ताद जज बाटा फलीपुर शर्की, उनके शागिर्द ख़ास उस्ताद अज़हर आफ यूनान जो कि यूनान में मुकीम है। मैं इस वक्त दोस्तों उनकी सुल्तानाबाद वाली उस छत पे मौजूद हूँ जिस छत पे वो अपने शौक़ की अभ्यारी कर रहे हैं, और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि गुज़श्ता 2-3 सालों से वो अपने शौक़ के साथ साथ अहले शौक़ गुजरात को भी उन्होंने बड़ा शानदार एक प्लेटफॉर्म दिया है, और आइंदा आने वाले सीज़न में भी आप देख रहे हैं कि बैसाख, जेठ और असवज में भी सुल्तानाबाद पिजन क्लब की ज़ेर निगरानी, इसी तरह उनके दोस्त हैं रंधावा पिजन क्लब से उस्ताद चौधरी नाजम, वो सऊदी अरब में मुकीम है, और तीसरे उनके दोस्त चौधरी नादर गोंदर जो कि गोंदर पिजन फ्लाइंग क्लब की वो नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो ये तीनों दोस्त मिल के दोस्तों आइंदा आने वाले सीज़नों में अपने इलाकों में और इसी तरह गुजरात शहर और जलालपुर जटा तक जितने भी शौकीन हजरात हैं उनके लिए उन्होंने बड़ा शानदार प्लेटफॉर्म मुहैया किया है, और मैं ये समझता हूँ कि ये इनका इस खेल से, इस शौक़ से एक प्यार का एक बहुत बड़ा इजहार है जिसके लिए वो लाखों रुपए अपनी जेबों से भी खर्च कर रहे हैं। गुज़श्ता साल की तकरीब तकसीम इनामात आपने देखी, और मैं अक्सर मौक़ों पे ये बात करता हूँ कि किसी भी टूर्नामेंट की कामयाबी जो है वो उसकी तकरीब तकसीम इनामात जो है वो उस पर मोहर साबित करती है। तो दोस्तों आज बड़ी बातें हुई, खसूसी तौर पर आधा घंटा मुनसब के पहले पहुँचने से कबूतरों का टाइम लिखवाने, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आप तमाम लोगों के लिए बेहतर हैं। अगर आप तावन करेंगे इन तमाम कवानीन पे टूर्नामेंट कमेटियों का, तो मैं समझता हूँ कि मसले मसाइल नहीं खड़े होते, वो टूर्नामेंट अच्छे होते हैं। जहाँ मुनसफियाँ अच्छी होंगी वहाँ हर खेल जो है वो अच्छा होगा। तो आइए दोस्तों, मैंने मौके को गनीमत जानते हुए आज बड़ा लंबा एक सफ़र, मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा भी कि बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ के मुझे ऊपर आना पड़ा, है नहीं आओ, ये कोई आसान नहीं है, ये मेरा शौक़ था। आप लोगों का तो ये शौक़ है, ये मेरा शौक़ था कि मैं आज इतनी ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के दियारे गैर में अपने उस भाई बैठे की उसकी शौक़ आपको करवा रहा हूँ। तो ये दोस्तों मेरे साथ खड़े हैं, उनके शागिर्द हैं उस्ताद अज़हर आफ यूनान के नसार भाई, इस तरह उनके बड़े भाई यहाँ मौजूद हैं मेरे साथ, और इसी तरह इस छत की जो निगरानी है नवाज़ भट्ट साहब, वो काफ़ी अरसा से वो इस छत की निगरानी कर रहे हैं, और इस साल शुनीद है कि ये शख्स भी जो है वो बाकायदा तौर पर वो टूर्नामेंटों में पार्टिसिपेट करेगी। तो दोस्तों उनके घर के कुछ चंद अच्छे कबूतर इंशाल्लाह, मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपको ये कबूतर, आप इनका शौक़ करेंगे तो आप महजूज भी होंगे और आपको ये कबूतर भी पसंद आएंगे। इतने नज़दीक आ रहा है, थोड़ा उतों ही क्लोज कर, हाँ उतों ही क्लोज कर, हाँ चाचू नज़ीर नू क्लोज कर, एंड थोड़ा जा फिर पीछे कर, ठीक है अगला एन एन पाए कबूतर सामने करो, कबूतर दो मेरे सामने, इन्हों क्लोज कर। इस तरह दोस्तों उस्ताद अज़हर आफ यूनान, उनके शगिर तला भट्ट, उन्होंने भी हमें अभी ज्वाइन किया है, उनका हाथ खाली में देख रहा हूँ अब उनके हाथ में भी एक, ये उनके घर की कोई गोल्डन ब्रीड जो है, ये जोंसरे कबूतर हैं, है गोल्डन है पर इनके कोई निक नेम होते हैं, तो आइए चाचू से पूछते हैं कि इनका निक नेम क्या, इन्होंने किया चाचू जी
ਇਹ ਗੋਲਡਨ ਕਬੂਤਰ ਜੇ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਂ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚੂੰ-ਚੂੰ ਵਾਲੇ ਰੱਖੇ ਆ ਜੇ ਚੂੰ-ਚੂੰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਚੂੰ-ਚੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਂਦੇ ਸਾ ਜੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹਨੇ ਫਾਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ आपको विजिट करवा रहा है उसके बाद आपको मेरे परदेसी भाई जाहिर है वो बाहर बैठे हैं उनकी कोई बचपन की यादें भी हैं यहाँ पे तो गुजरात शहर के बड़ी बड़ी दूर से हमें छतें भी बड़ी बड़ी नज़र आ रही हैं बड़ी बड़ी ऊंची छतें ये गुजरात शहर का आपको मंजर दिखाते हुए फिर हम आपको शौक करवाएंगे उसके बाद इंशाल्लाह हम आपसे इजाज़त चाहेंगे चलो हाँ इधर आ जाओ ना काला भाई ऐसे आओ तुम करके ना कूटा नु ना इसमें एक फुटा बंद कर छोड़ो ना ऐसे अंदर भी छड़ना है जरा काला भाई ऐसे आओ ना 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 थोड़ा कैमरा चौक थोड़ा जा पीछे हो गया दसते जाओ ना बोलते जाओ माइक ला लिया फिर सही नजर आवे ठीक है उस्ताद जज बढ़ के घर जी जो गोल्डन है ना ਇਕੜਾ ਖੂਤਰ ਤੇ ਲਵੇ ਚੂੰਚ ਵਾਲੇ ਉਸਤਾਦ ਅੱਜ ਵੜਦੇ ਘਰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਰੇ ਮਾਦਾ ਨਾਰੇ ਦਾ ਇਹਦੀ ਅਕਲ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੋ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜਾਇਜ਼ ਦੇ ਵੜਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਰ ਸੇਕ ਕਰ कबूतर है जी ये भी गोल्डन कबूतर है चूं-चूं वाला शर्मिली महदी है साजा बढ़ते घर शर्मिला माता जी है जी शर्मिली करो
बेसिक कबूतर सियालकोटी गोल्डन सियालकोटी ने सफेदियां ना ना रखे सफेदियां कबूतर चूस वाला पट्ठा जना ਕਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਚੂਚ ਵਾਲਾ ਪੱਠਾ ਗੋਲਡਨ ਗੋਲਡਨ ਛਾਪਦਾਰ सारियां परवादां जिहड़ियां ना शाम दियां ने कोई चंद परवादां ना पंजां सालां दे हुंदे ने दियां सारियां परवादां ने शाम दियां ठीक हो गया शुक्रो अच्छा इन कबूतर उन्होंने कार का बड़ा माशाल्लाह पांच साल तकरीबन उड़ता रहा जो असा चैलेंज भी चढ़िया जो उड़ता सी ना टाइम रख के साढ़े भाई एक आए सन उन्होंने शौक माशाल्लाह बड़ी अच्छी जेड़ा एदा पुत्र है एदा पुत्र उड़िया हजे ऐतकी जेड़ा तुसी टूर्नामेंट टूर्नामेंट दे विच एदा पुत्र एंड ते पैंदा सी एंड ते पैंदा रहा 7-9, 6:30, 7 ਅਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਬੂਤਰ ਕਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਡੱਬ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਸਾਧਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਸਾਧਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਟੀਰੀ ਬਲੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੀਕ पिछली दफा जेट चुड़िया भी है सही अब टाइम एक दिन बह गया सी 9:10 सर 9:15 बैठा सी जेट दे विच ए भी जज दे घर दा स्टूडियो
जी दोस्तों, ये सारी ब्रीड जो है, ये सारी सात अदर यूनान वाले, ये उनकी छत हैं, उनके सारे परिंदे जो हैं, ये उनके उड़ने वाले माशाल्लाह अच्छी ब्रीड है उनकी, ये सारे प्रवासी कबूतर हैं माशाल्लाह जी। हाँ जी अदर भैया, आप देख रहे हैं क्या हाल है, ठीक हैं आप? आपकी सेहत ठीक है? और सुनाएं, काम शाम ठीक है आपका? शहजाद नूर गुजर जी, हाँ जी शाह साहब क्या हाल है, ठीक हैं जी? चौधरी अली रजा साहब, आप भी ठीक हैं जी? हसीब चौधरी साहब जी, आप भी ठीक हैं भाई? सब भाइयों का शुक्रिया जी, शुक्रिया जनाब। वालेकुम सलाम सब से। फैसल फारूक साहब जी, आप भी ठीक हैं भाई? वालेकुम सलाम जी। साहब कब नमाज गोंदर
काशिफ इमरान काशिफ जी लाला जी जी ठीक है जी माशाल्लाह सब भाई जी अल्हम्दुलिल्लाह लाला जी भी ठीक है जी मोहम्मद अरफान और अदर भाई देख रहे हैं आपको माशाल्लाह कैसा लगा शौक आपकी इच्छा से दिखा रहे हैं तो कमेंट में बताएं कि ठीक है वीडियो भी आपने देखी है ठीक बनी है माशाल्लाह आपकी जो अच्छे माशाल्लाह ब्रीड है आपकी इसका शो करवा रहे हैं मौज़म अली जी मेहरबानी जनाब इजाज अहमद साहब जी वालेकुम सलाम जी राजा एहसान गिल जी राजा साहब इमरान वडाई साहब जी सब भाइयों का शुक्रिया जनाब थैंक यू जी चौधरी नाजम रंधावा साहब जी ये जो ब्लैक और सफेद वाला जी जी ये देखें जी उस्ताद साहब कितने उस्ताद अदर यूनान वाले ये उनके जो फेवरेट ये दो कबूतर हैं जी ये सामने जो आपको नज़र आ रहे हैं एक ये वाइट वाला और एक ये इसका एक गोल्डन है शाइन ठीक है हाँ जी माशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस इस ब्रीड की जी इजाज अहमद सियाल साहब जी वालेकुम सलाम जनाब जी मेहरबानी अदर भाई थैंक यू मेहरबानी लाला मोहम्मद गफार साहब जी मोहम्मद गफार साहब दीवार क्यों देखेंगे अब आपको कबूतर माशाल्लाह दिखा रहे हैं इजाज अहमद सियाज साहब जी मैं ये कहता हूँ तला भाई को जी आपको इंशाल्लाह ये करवाते हैं इसका शौक जो है ना दोबारा पहले भी करवाया है ये कह रहे हैं कि ये भाई जान ये जंगली कलर का जो परिंदा है इसका पकड़ कर शौक करवाएं करवा दियो जी उन्होंने रिक्वेस्ट है जी इजाज अहमद गिल सियाल साहब की मोहम्मद इरफान साहब कह रहे हैं जी उड़ने वाले कबूतर दिखाएं ये उड़ने वाले कबूतर हैं ये जोड़े वाले वो कह रहे हैं कि अभी जो है ना उड़े हुए कबूतर वो भी इंशाल्लाह कराएंगे आपके शौक इंशाल्लाह जी मोहम्मद इरफान भाई ये लें जी एजाज अहमद सियाल साहब ये आपको जंगली कलर का जो कबूतर आप कह रहे हैं वो उसका शौक दोबारा कर लें जी ठीक है ये देखिए गेट की जाना पड़ के उड़ा भी है पीछे बहुत अच्छी माशाल्लाह परवाज है इसकी कबूतर कौन सा तला भाई ये कबूतर दोस्त ही करते क्या तुम्हारा दिखाएं एक बार सही तरह ना कटा हुआ है थोड़ा सा हाँ पारी ऐसे दानिश अनवर भट्ट साहब जी बड़ी मेहरबानी भट्ट साहब क्या हाल है आप ठीक हैं जी जी इजाज भाई देखा है आपको दोबारा इसका शुक्रवाद दिया दोबारा आपको इंशाल्लाह जी इजाज अहमद सियाल साहब हाँ
हाँ जी साहब, दोस्तों का जिनके लिए कबूतरों का शो किया आपने, ये सादा यूनान वाले उनकी छत का भी आप इसे करें, शो करें, देखें। इधर आ जा समीर, बोलो, गलबात भी करो यार, चुप हो गई जी। चल लिया आराम लिया। तो दोस्तों, अब आपने उस्ताद अज़र आफ यूनान, उनकी मल्ला सुल्तानाबाद, गुजरात का बड़ा मशहूर मल्ला, और मैंने शुरू में अपने इंट्रो में भी ये बात की, मल्ला तो ये बहुत पुराना होगा, मगर ये है कि फन कबूतर परवी के खेल के हवाले से इन्हें इसे एक नई वजह शोहरत पूरी दुनिया में मिली है। आज आप देख रहे हैं कि दुनिया थैली पे है, हमारा ये प्रोग्राम भी मेरे ख्याल में गालबन चारों बड़े आज़मों में देखा जा रहा होगा। तो दोस्तों, मैं खसूसी तौर पर उस्ताद अज़र आफ यूनान, उनके भाई असगर आफ यूनान, माजद आफ यूनान, अरशद भाई हमारे दरमियान यहाँ मौजूद हैं, नवाज़ भट साहब हैं, उनके शागिर्द हैं तला भट, इस तरह नादर गोंदल, सैयद अदील शाह साहब, जो कि इन तीनों क्लबों की एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। और आज आपने देखा कि उस्ताद अज़र आफ यूनान की छत से आपको बहुत बहुत अच्छे पैगाम भी देखने को मिले। इसके साथ साथ जाते जाते मैं फिर तमाम गुजरात के जितने बड़े क्लब हैं, जिसमें फरहान पिजन क्लब, अल सैयद पिजन क्लब, बड़ाइच पिजन क्लब, कठाला चनाब गुजरात और शादुला पिजन क्लब, इनकी इंतज़ामिया से भी मैं गुजारिश भी करूंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप भी खसूसी तौर पे कबूतर के बैठने का जो टाइम है, वो जो टाइम लिमिट आपने दी हुई है, अगर उस पर लोग सही तरह अमल दरामद नहीं करते, उस पर कोई नज़रसानी करके, उस पर कोई कानून साजी करके, उस पर कोई पलंटी रखें। इसी तरह आधे घंटे वाली जो तजवीज़ सामने आई है, इसमें भी आप उसका बाकायदा कानून बनाएं और उस पर एक जुर्माना लागू करें, ख्वाहे वो कबूतरों के टाइम काटने की सूरत में हो या वैसे आप पलंटी जो है नकद पलंटी आप रखना चाहें, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं दोस्तों ये हो सकती हैं, मगर इसके लिए विल और आपकी ख्वाहिश की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ तमाम दोस्त अब आप वो अगर कवानीन पे सख्ती से अमल करेंगे तो वो टूर्नामेंट भी कामयाब होगा, मुनसफ आप अच्छे भेजेंगे, इन टाइम भेजेंगे, टाइम पे अगर आप वक्त लिखवाएंगे तो कोई वजह नहीं है कि वो टूर्नामेंट कामयाब ना हो। मैं रंधावा पिजन क्लब, सुल्तानाबाद पिजन क्लब और नादर पिजन क्लब ऑफ कोर्ट रंधावा, उनकी तरफ से उनका शुक्रिया अदा करते हुए उस्ताद अज़र आफ यूनान, उनकी छत से दोस्तों और खसूसी तौर पे असगर भाई के जो साहबजादे हैं उनकी नुमाइंदगी यहाँ कर रहे हैं, अरशद भाई भी हमें यहाँ मौजूद हैं, और आज बड़ी खुशी हुई, ये तमाम दोस्त अब आप मेरे आने से पहले इंतज़ार कर रहे थे, और मेरे लिए भी आज ये एक ज़ाहिर है इतना ऊपर चढ़ के आना, एनी आओ ये मेरा शौक़ था, मैंने पहले भी बात की, ये मेरा सब्जेक्ट था इस मजमून के लिए। आपने देखा कि लाला जी ने बड़ा सफ़र किया है और मैं समझता हूँ इसका सेहरा भी, ये मेरी कमाल नहीं है, ये तमाम अहले गुजरात के सर पे है कि इन्होंने लाला जी को हमेशा उनके साथ तावन भी किया, प्यार भी किया, मोहब्बत भी की, और लाला जी ने भी
अपनी इस काम में मेरे ख्याल में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। बलूचिस्तान हो, सिंध हो, केपीके हो, पंजाब हो, इवन के मैं कल अपनी वाल पे देख रहा था कि 2018 उमरे का मेरा एक टूर था, उस पर भी दोस्तों कबूतर जो है वो ज़ेरे बहस आया। मैं उस्ताद अज़र का, उस्ताद चौधरी नाजम का, नादर भाई का, नवाज भट साहब का, अरशद साहब का, तला भट का, सैयद अजील शाह साहब का शुक्रिया अदा करते हुए आप दोस्तों की दुआओं के साथ हम सुल्तानाबाद उस्ताद अज़र आप यूनान की छत से हम इजाज़त चाहेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।